मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामवाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। यदि आपके विवाह में देर हो रही हो तो गुरुवार के दिन ज्यादा से ज्यादा पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करें। सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इस दिन स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें। इसके अलावा इस यदि आप व्रत रखते हैं तो पीले फलों का ही सेवन करें। गुरुवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद बृहस्पति नमः का जाप करें। इस दिन बृहस्पतिवार की व्रत कथा भी पढ़ें। ऐसा करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन विष्णु जी के साथ के मां लक्ष्मी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमतानुसार दान करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार के दिन अपनी कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगा लें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा, साथ ही व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और लौटाने में आनाकानी कर रहा है तो उससे विवाद करने की बजाय लौंग से कुछ सामान्य से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका धन वापस मिल जाए। किसी अमावस्या या पूर्णिमा की रात में कपूर जलाकर 21 लौंग से मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करें। माता से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ धन वापस मिल जाए। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हों या फिर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में रखें। लें जहां इंटरव्यू देने गए हैं वहां लौंग के अवशेष को मुंह से फेंक दें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इंटरव्यू के लिए जाएं। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस उपाय से कार्य में सफलता मिलती है। मेहनत करने के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है या फिर आर्थिक समस्या लगातार आपको परेशान कर रही है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। फिर उस दीपक में 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी से अपनी समस्या बताएं। 21 मंगलवार इस उपाय को करने के साथ कार्य क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग की 2 कली भी माता लक्ष्मी को भेंट करें। अगर हर दिन ऐसा नहीं कर पाए तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना चाहिए। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। तंत्र शास्त्र के अनुसार इससे घर में बरकत आती है। घर में लगातार कोई बीमार रहता है, बने बनाए काम अटक जाते हैं या फिर शुभ कार्यों में बाधा आ रही है तो हर शनिवार के दिन तेल के दीपक में 3-4 लौंग डालकर जलाएं और उसको घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति घर से चली जाएगी और रोग खत्म के साथ धीरे धीरे काम भी बनने लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए
या अचूक उपाय और नियम अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।